बनने से भाई क्रिया अचानक से चली जाए ना तो घर सुनसान हो जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो अभी का सीन ये है कि आपकी प्यारी बहन जी कुटिया है, यहाँ से अब जाएगी टाटा बाय बाय खत्म। अब रागनी का कहानी खत्म हो गया ब्लॉग से, है ना। आप लोग जो है अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि अच्छे से जो है अपना घर संसार बढ़िया से बसा सके और अपने जीवन को अच्छे से सराह सके, है ना। रागनी गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे? ये लास्ट गुड मॉर्निंग हो सकता है आपके ब्लॉग के लिए, रागनी दीदी के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी जो है आप लोगों को विदाई वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। ये ना हुआ सुहानी वाला बात, मांगो आप जीजा जी से। मांगो मन टीका उटीका सब सब मांग लो, सब जो मांगना है। भारी पड़ जाता है। पाँच हजार जूता का, ठीक है। 5,000 10,000 रुपया स्कैनर गूगल पे सो गए, यहाँ से टेंशन लेने कोई जरूरी नहीं। घर चलिए, जाते खरीदे आइए, हम खरीदे गर्दन में खरीदेंगे। हो गया बहुत दुकान पर से फोन अभी तक नहीं हो गया। हो गया हो गया हो गया लास्ट में खाई छे ना थोड़ा ना खा जा लास्ट में ना खाई छे खाई छे लड़का खाई छे तेरा कैसे पूछी भाई से ना खाई छे रख बस हो गया बस बस ठीक अच्छा होगा ठीक है खा जाना पर अच्छा जितना दे सब ना खा ले जाओ एको को दाना ना गिरा देखिए गिरा दे सुनिए ना नीचे के ना ओ विनय जी हम भी खाए थे आप भी खाइएगा मगर इसे नहीं होता हम तो खाए तो पूरा खा पूरा खा ले जाओ क्या एकदम से ऐसे से मुंह का बंद कर ले छे लड़की है कि मुंह बंद कर ले ना खा सकते तो ले खा जाइए हो खा जाइए हर जीव निकले आती नहीं है पर उतना नहीं डर को लेके ध्यान रखो विदान ना ज्यादा ना बनियो अभी खैले कन होती पैसे ना खोले के है यह मुरिए पर रख के मुरिए पर रख के हां अब खोलू एक ही हाथ से डबल हाथ ना घोड़ बेइज्जती बताइए इतना कमजोर आदमी रहता है जाओ नाम हंसा रहे हैं हमारा डॉक्टर साहब हाथी घोड़ा के भी है ये हाथ नहीं है हथौड़ा है एक मल्टीविटामिन का यूज नहीं करते हैं आप बताइए आपका ये हाल है पेशेंट का क्या हाल होता हो मेहमान जी मल्टी चैनल देखे
वो हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा। एक के हाथ से खोलेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। वो हाथ लगा कोई बात नहीं। अच्छा रह दिए या सुनो ना सुनो ना, दोनों हाथ से ना खुले थे, हम तो एक झटका में खोल दिए थे। काम आ रहा तो गाइस आज के कुछ सीन ऐसा है कि पूरा घर जो है सुनसान लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो मंडप लगाया गया था बिल्कुल सुनसान सा है, चारों तरफ कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है। और आज के बाद जो है हाँ लगा दो लगा दो, लेकिन फाड़ के मत लगाना, खराब हो जाएगा। पूरा घर जो है सुनसान हो जाएगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। डेली व्लॉग आप लोग देखते हो, रागनी दीदी हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग करके बोलती है। एक कह सकते हैं पंछी जो है चिड़िया जो है उड़ जाएगी यहाँ से, ऐसा कह सकते हैं क्या जी अजी? मन लगेगा आपको? नहीं मन लगेगा, घर सुनसान हो जाएगा। है सुनसान हो जाएगा तो है ना। मेहमान जी को बैठने के लिए दीजिए कुर्सी, बैठिए आप, नीचे मत जाइए, बैठिए। हाँ आज के कुछ ऐसा सीन है कि मौसम भी जो है बढ़िया नहीं है। रागनी दीदी के जाने की वजह से पूरा टेंट वगैरह जो हटा दिया गया, पूरा बांस वो सब कुछ हटा दिया गया, हलवाई जो आए थे सब बिखड़ गए। आप समझिए एक पल के लिए समझिए कि हमारे घर की लक्ष्मी अब जा रही है। तो गाइस अभी का कुछ सीन ऐसा है जो लहसुन का रस्म को निभाया जाता है अभी। इसके बाद 5 लोग बैठेंगे यहाँ पे, दही और क्या बोलते हैं चिवड़ा, दही और चिवड़ा खाएंगे। फिर उसके बाद जो है अरे हटाओ हटाओ इसे हटाओ, सुहानी सुहानी को दीदी का याद बहुत आएगा। नया खरीद के लाइए, गंदा हो गया। लास्ट रागनी जा रही है, हैं? बेटी जा रही है, बेटा लोग देख रहे, बेटी लोग देख रहे, उसको क्या बोलेंगे? करके मम्मी का कलेजा दहल रही है, बेटी कैसे चल जाएगा, मम्मी कैसे रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रागनी के बाद भी एक बार बेटी आ सकती है अगर आप चाहे तो। है मम्मी, तो अभी का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे 5 लोग बैठ करके अभी मरवा को जो उठाएंगे दही और चिवड़ा के साथ में, तब जाके जो भी संपन्न होगा। कोई नहीं खा पाएगा, हल्का हल्का चूरा पे पानी भी मारिए, गिलास आप ऐसा क्यों कर रहे हो छोटू? छोटू ये कलर्स क्यों उड़ा रहे हो? देखो फेस देखो अपना कैसा हो गया, कितना गंदा हो गया। मौसी ने दिया, मैंने मुंह पे थूका, निकल ही नहीं रहा, पूरा खोखोड़ना पड़ रहा है। ओ, ओ, इतना मस्ती नहीं करते बेटा, जाओ जाओ मम्मी को बोलो कि साफ करते जाओ जाओ जाओ। तुम भी लगा रखी हो ना, देखे देखे आपको भी पिटाई। एक्चुअली बात ऐसा हुआ ना गई कि खाना बहुत सारा बच गया देखिए, और साथ क्या बोली क्या चलो चलो चलो, और साथ ही साथ हमें भी भूख, हम तो नहीं लग रहा वैसे रखने के बगैर, बेचारी चली जाएगी आज। और रात भर बिल्कुल भी नहीं सोए थे, मतलब शादी कब भी विधि वगैरह चल रहा था। कौन भी थी अभी वैसे अभी का रस्म है, घर भराई का रस्म होगा। आप लोग क्या होता है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना।
मेहमान के किनकर घर भर हाँ पूछाइत रहे ना पाँच राजा के एक बार माए बाप को कहिए ना मोमोज बोलते लाने के लिए तो 20 किलोमीटर बाइक चला कर जाते हैं तो ला कर खिलाते हैं मम्मी साइड उठो और जो लोग देख रहे हैं इनसे बहुत प्यार करते हैं बहन की तरह मानते हैं कमेंट करते हैं दो दिन से शादी चल रहा माहौल तो सब लोग कमेंट करेंगे बोलिएगा जीजा जी को कि हमारी बहन का अच्छा से ख्याल रखें ठीक है लाखों लोग देख रहे हैं मुस्कुराइएगा नहीं आप लोग भी सुन लीजिए ठीक है तो ये लास्ट विधि है यहीं से ख़त्म होगा और रागिनी यहाँ से चली जाएगी बाबू फिर चलबे फिर चलबे दू दिन में चलब फिर दू दिन में चली जाओ यही ना रहो वही भगवान ना रखो चुप बता चुप इधर इधर जी गांव के रीति रिवाज के अनुसार और हर जगह पे होता होगा है ना बोल नहीं पा रहे लड़खड़ा है थोड़ा
तो जैसे कि फिर से गाड़ी को जो आगे पीछे करके 2 किलोमीटर फिर वापस लाया जाता है, फिर जो है गोसाई जी का पूजन करवा के फिर से जो है फाइनली विदा होती है। अच्छा से रहा भाई, ख्याल रखना बढ़िया विनय जी। थैंक यू। गाड़ी को बोलिए ना लाने के लिए, घर गाड़ी इधर लाओ भाव। अच्छा ठीक है जाओ। मौसी को देना दो सारी मम्मी दे। हमारी घर की प्यारी बिटिया रानी चली गई, मन ही नहीं लग रहा है सोचिए। और मम्मी सब लोग इतना रोने लगे ना कि क्या ही बताए, सबको हमें संभालना है। और गॉड इस टाइम एकदम दिल को संभालना मुश्किल है। ये बहनों को विदा करते 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 बचपन से हमारी मम्मी जो है टूट चुकी है एकदम, हम लोग भी टूट चुके हैं एकदम। और सब लोग रोने लगे सब के सब। बड़ खुशी इस बात की हो गई ना कि हाँ रागनी का शादी अच्छा से निभा गया, अच्छे तरीके से वो चली गई। जो चीज़ें उसने चाहा वो चीज़ें हमने दिया, मेरे तरफ से जो हुआ एक भाई की तरफ से हमने दिया। आवाज़ें भी नहीं निकल रहा है, घर में रहती थी चिल्लाती रहती थी, कुछ खाना वाना मांगते थे डांट देते थे कि हाँ ये चीज़ वो चीज़ लाओ, झाँकती रहती थी। घर की चिड़िया अचानक से चली जाए ना तो घर सुनसान हो जाता है। चाहे अपने जगह पे खुश रहे, अपना घर संसार बसाए। अभी क्या है कि दिल पे अभी पत्थर रखना होगा और जितने जो हमारे मेहमान लोग आए हैं उन सबको अच्छे तरीके से जो है प्रसाद वगैरह देंगे और वो अपने अपने अभी घर जाएंगे सब लोग। क्या ही बताएं, मम्मी तो बिल्कुल बयां ही नहीं कर सकते, बस लास्ट में मिलते हैं आप लोगों से। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बेटियाँ जब पैदा होती है तो विदा करने के लिए होती है, घर में राजा बेटा की तरह राज करने के लिए नहीं होते हैं, दूसरों के घर में जाते हैं, पराये हो जाती है। बहुत प्यार करते हैं सिस्टर से, मेरी उम्र भी लग जाए। अच्छे से रहो बाबू, आप अपने ज़िंदगी में खुशहाल रहो। रहती थी सवेरे में गुड मॉर्निंग बोलती थी, गुड मॉर्निंग भैया, सवेरे जगा देती थी, झाड़ू मार देती थी, घर में खाना बना देती थी, नाश्ता बना देती थी, चाय बना देती थी, जहाँ से आते थे मेरा शर्ट धुल देती थी, कोट पहना देती थी, स्नो पाउडर करती, क्रीम लगा देती थी। ऐसा बया ही नहीं कर सकता मैं। दिल को संभालना पड़ता है, बहन बहन होता है। जब असली बहन घर छोड़ के जाती है जब अपनी बहन, तब भाई के दिल पे क्या गुजरता है, माता पिता के दिल पे क्या गुजरता है। भगवान ने कैसा रीति बना रखा है बताइए। जिस बहन को गोद में खिलाओ पालो, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार दो बिल्कुल भाई की तरह, और पल भर में एकदम पराया हो जाए तो कैसा लगता है, अनबिलीवेबल। बस कहीं भी रहे हमारी बहन अच्छे से खुश रहे, जहाँ भी रहे जीवन में कभी भी हमारी बहन को दिक्कत होगा भाई हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और अभी क्या करते हैं कि जितने सारे मेहमान वगैरह आए हैं सभी को थोड़ा नवाजी कर लेते हैं, क्योंकि दिल पे पत्थर रख के ये काम को हमें करना है। अभी फिलहाल इधर मम्मी आ गई है ना, मम्मी तो बिल्कुल एकदम अनपटा गई थी, एकदम बेहोश हो गई थी, रुते रुते इतना हालत ख़राब हो गया था मम्मी।
मम्मी जाना है मौसी के यहाँ, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। लाल अभी जाना है सहदाई ही, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि रागनी दीदी के यहाँ हमें जाना था, तो थोड़ा हमें ना टिकट वगैरह हमने करवा लिया क्योंकि अभी एक धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है, इसीलिए तो नहीं जा पाए। और तो गाइज सब मेरा सपना पूरा हो चुका है, और बस क्या ही क्या, बस आप लोग की वजह से हुआ। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में इंस्टाग्राम का डी जाकर के फॉलो कर लीजिए, और अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा कि एक भाई ने अपने बहन के लिए एक फर्ज को पूरा किया है, वो भी यूट्यूब पेमेंट से। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही।